गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने अपना 10th लेसन कंप्लीट किया था, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग अपने 11th लेसन। 11th लेसन क्या है? कर भला तो हो भला। क्या है? कर भला तो हो भला। तो इसकी इसका लेसन का वो देखिए कि इसमें क्या कीम है कि जिस नाम पर ये लेसन का नाम पड़ा है, कर भला तो हो भला। आज हम लोग लेसन रीड करेंगे। सब लोग अपनी बुक अच्छे से खोल के तब देख लेंगे कि मैम कहाँ से कितना पढ़ाई है। शहर से दूर, और आपको भी इसको रीड करना है अच्छे से। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का पेड़ था। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। तो देखिए, शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का पेड़ था। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने पर बहुत घमंड था। क्या है? दो पेड़ अगल बगल में थे एक शहर में सुनसान जगह पे, लेकिन आम का पेड़, वो आम के पेड़ के पास क्या था? एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। तो नीम का पेड़ थोड़ा बड़ा था और उसकी पत्तियां बहुत घनी थी, तो इसीलिए उसको क्या था? अपने ऊंचे होने पे बहुत घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी बिन बिन जरा भी नहीं सुहाती। तो रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ा कर बोली, नीम भाई, मान जाओ तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इतनी दूर जो फर्स्ट पेज हम लोगों ने रीड किया, इससे क्या हमको पता चल रहा है कि नीम को अपने पे बहुत घमंड था। ये नहीं, हमको भी ये नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास रहे और दूसरे के पास नहीं है तो हम उसके लिए घमंडी हो जाए कि भाई मेरे पास है तो मैं किसी को क्यों दूँ, या ये मेरे पास है तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, दूसरे के पास ये नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी का घमंड, चाहे आदमी हो या पेड़ जानवर, सबका घमंड क्या होता है? चूर हो जाता है। तो वही इसमें दिया है, आम के पेड़ से नीम का पेड़ ऊंचा होने के कारण मधुमक्खी ने क्या कहा कि घना है तो मेरा छत्ता इस पे बड़ा बन पाएगा और मैं यहीं पे छत्ता बना लूँ। लेकिन उसने, नीम के पेड़ ने अकड़ के क्या कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी भिन भिन की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है और तुम यहाँ गंदगी करोगे, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए क्या तुम मेरे पेड़ पर छत्ता, मेरी डाल पे छत्ता नहीं बनाओगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पूरा लेसन रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे वाला पेज पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।